नए साल के आगाज के साथ ही इसरो ने अपने नए साल में पहले स्पेस मिशन को लॉन्च कर दिया है। एक्सपो सैटेलाइट का सफल परीक्षण हुआ, लॉन्चिंग हुई, उसकी तस्वीरें आपने देखी। अब अलग अलग फेजेस में जो सैटेलाइट है वो ऊपर जाएगी और जो रॉकेट है उसके जो हिस्से हैं वो डिब्री होंगे और यही माना जा रहा है कि ये स्पेस रिसर्च में एक बहुत बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि रेडिएशन की स्टडी में भारत दूसरा ऐसा देश है जिसने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। हमारे मेहमान और हमारे सहयोगी दोनों ही हमारे साथ बने हुए हैं। कपूर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले टी राघवन सुपरनोवा स्टार के बारे में पूछ रहे थे और ये जो एक्सपोसैट गया है ये उसकी भी स्टडी करेगा, तो जरा सुपरनोवा स्टार के बारे में बताइए किस तरह से ये स्टडी होगी और वो है क्या सुपरनोवा? देखिए, नोवा का अर्थ है नया और सुपर आप समझते ही हैं। तो जो आसमान में हम तारे देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कभी कुछ सौ सालों के अंतर से आकाश के किसी कोने में अचानक ही एक तारा बहुत ज़्यादा चमकीला हो जाता है। तो पिछली कुछ ऐसी घटनाओं को देखते हुए माना गया कि ये सुपरनोवा एक्सप्लोशंस हैं जो कि किसी भी भारी तारे के जीवन में उसके अंतिम पड़ाव के एक समय जो है एक बड़ा ज़बरदस्त विस्फोट होता है जिसमें उसका अधिकांश गैसीय पदार्थ अंतरिक्ष में चित्रा जाता है। क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता जाता है तो रोशनी जो है बढ़ जाती है और आप ये समझिए कि एक अकेला तारा किसी भी एक आकाशगंगा की चमक के बराबर तक चमकीला हो सकता है। तो उसको हम सुपरनोवा कहते हैं और ये किसी भी तारे के क्रम विकास में अगर कोई बहुत भारी तारा है जो कि सूर्य से करीब 20 या 30 गुना ज़्यादा भारी है तो वो उसके जीवन में करीब कुछ मिलियन ईयर्स में ही ये घटना हो जाएगी। लेकिन चूँकि अधिकांश सितारे आकाशगंगा में सूर्य के समान हैं तो उनमें से कुछ एक तारे ही हैं जो इतने भारी होते हैं और वो इस प्रकार से विस्फोट में अपना अंतिम जो है उनका ये पड़ाव आ जाता है उनके जीवन का। लेकिन इसमें जब बाहर की जो गैस अंतरिक्ष में फैलती जा रही है वो अपना विभिन्न वेवलेंस पर रेडिएशन देती है, यानी कि उसमें ऑप्टिकल रेडिएशन भी है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट भी है और एक्सरेज भी है। तो वहाँ से आती हुई एक्सरे किरणों को भी हम पकड़ पाएंगे, लेकिन अपनी ही आकाशगंगाओं में सुपरनोवा विस्फोट जो है वो हर 300 या 400 साल में एक बार हुआ करता है। तो जाहिर है कि खोजबीन काफ़ी बारीकी से रहेगी तभी जाके ऐसी कोई घटना को हम पकड़ पाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे चमकीले स्रोत हैं आकाशगंगा में या एक्स्ट्रा गैलेक्टिक स्पेस में जिनकी जो ब्राइटनेस है एक्सरेज में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे 50 स्रोतों का अध्ययन एक्सपोसैट के जरिए होना है। और दूसरी बात यह है सुपरनोवा से रिलेटेड जो उसका जो अंदरूनी हिस्सा है जो कि हम कोर कहते हैं वो सिकुड़ता जाता है और वो बहुत तेजी से वो छोटे आकार में जाता है जी। और कई बार जो है वो न्यूट्रॉन स्टार डेंसिटीज पर आकर के वो रुक जाता है। न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी का मतलब है कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वही न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी है और वो तब जो है उस समय तो उसके आसपास बहुत गैस रहती है तो कालांतर में वो जब गैस छटती है तो हम न्यूट्रॉन स्टार को या तो एक पल्सार के रूप में देख सकते हैं या उसका अगर वो उसका कोई साथी तारा है बाइनरी स्टार के अंदर मतलब युग्म के रूप में भी तारे पाए जाते हैं तो उनमें से अगर एक तारा सुपरनोवा विस्फोट में खत्म हो गया और उसकी कोर बची रह गई तो साथी तारे से जो गैस अंतरिक्ष में जाती है वो उसकी तरफ भी गिरती है और जो गिरती है तो फिर वो अपना रेडिएशन उसमें देती है। तो इनका भी अपने एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। बिल्कुल कपूर साहब, और विज्ञान तो ऐसा विषय है जितनी बात की जाए जितना वक्त दिया जाए उतना कम है क्योंकि इतना गहरा है और इतनी डेप्थ में आप चीजें समझा रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टी राघवन, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।